में लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। आज यूपी के रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी क्षेत्र की एक आम सभा प्रांतीय निर्देशानुसार किया गया, जिसमें अध्यक्ष इंद्रेश मिश्रा की अध्यक्षता में कैंट रोडवेज बस स्टेशन पर बुलाई गई। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। आज ये किस प्रकार प्रदर्शन किया जा रहा है और आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांगे है कि माडल आवश्यकता बनने जा रहा है, जो निजीकरण की व्यवस्था होने जा रहा है। हम लोग अपने यूनियन के माध्यम से प्रांत के आदेश पर, प्रांतीय नेताओं के आदेश पर हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर डिपो शहर में जाके अपना प्रदर्शन किए हैं। आज अपने क्षेत्र के में 8 जिला के लोग जुटे हैं। हम अपना ज्ञापन शासन तक पहुँचाएंगे और हम ये नहीं चाहते कि जो हमारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वादे में है, क्योंकि मात्र में हम लोग 9% पर रोडवेज बस चलती है, 91% प्राइवेट बस चलती है। सरकार की मंशा है कि इसको भी प्राइवेट बस पार्टनरशिप में चलाया जाए, जबकि हम लोग उसका विरोध करेंगे कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वादे का यही निगम ऐसा है जो हमारे फायदे में चल रहे हैं। हम अपने कमाई से अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं, रोडवेज के कर्मचारी जो मेहनत करते हैं, ड्राइवर कंडक्टर और हमारे जो भी स्टाफ मेहनत करते हैं, उसके फायदे से रोडवेज की बस खरीदी जा रही है। सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन का ये संकेतित किया जा रहा है। मोदी जी, योगी जी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हर घर की सराहना। जिस तरह से मोदी जी, योगी जी का ये मंशा पूरे हिंदुस्तान में निजीकरण कर रहे हैं, इससे पूरे देश में कर्मचारी आक्रोशित है। क्योंकि एक और आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप रोजगार भी लेने की बात कर रहे हैं, तो आपकी नियत स्पष्ट नहीं हुई है। बसपा की सरकार थी, निजीकरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने एक षड्यंत्र रचा, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों ने आंदोलन चलाया। उनको ये बता दिया गया था कि प्रदेश के हर कोने में कर्मचारी रहते हैं, गाँव गिरा और सड़क रास्ते पर रहते हैं। अगर आप नजर उठा के इधर ताकेंगी तो आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं और यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? प्रमुख मांगे हम हमारी यही है कि मतलब सरकार जो निजीकरण और पीपी मॉडल को लिए योजना बनाई है उसको रद्द करे। इसके पूर्व भी मंत्री मायावती जी के पीरियड में ये मामला हुआ था, जिसको हम लोगों ने रद्द कराया गया और इससे हम लोगों के अस्तित्व खतरे में होगी। इस वक्त हमारी प्रमुख मांग बस ये कही है कि निजीकरण बंद करो। इसके अलावा इसके लिए हम लोग तन मन धन जिससे होगा मतलब उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अगला कार्यक्रम हमारा प्रांत तय करेगा क्या। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो फिर क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति होगी आपकी? मांग नहीं मानी जाएगी तो जेल भरो आंदोलन होगा, सड़कों पर उतरेंगे, उसके अलावा चक्का जाम किया जाएगा, जो मतलब होगा पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद अगला कार्यक्रम मांग तय करेगा।